हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये पैटर्न आप बच्चों के स्वेटर पे या लेडीज स्वेटर पे बना सकते हैं। तो देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए और प्लस 2 एजेस के लिए करने पड़ेंगे, तो हमारा डिजाइन सेट हो जाएगा। बॉर्डर बनाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ हमने 4 सिलाइयां बना ली हैं, 2 सीधी और 2 उल्टी। उसके बाद हमने कलर चेंज किया है और ये डिजाइन बनाया है। फ्रेंड्स, इस डिजाइन को आप मल्टी कलर में बना सकते हैं। कभी आपके पास छोटी छोटी फूल बच जाती है और एक बेस कलर ले लीजिए और हर बार ये वाला स्ट्रिप बनाया, जो हमने अलग अलग स्ट्रिप बनाकर अलग अलग कलर के बच्चों का स्वेटर बना सकते हैं, बहुत सुंदर बनेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप देखते रहे नए से नए डिजाइन। तो आइए करते हैं स्टार्ट, कैसे बना है ये डिजाइन। देखिए, यहाँ हमने कलर चेंज करना है 4 सिलाइयों के बाद। एक फंदा हम पर्पल कलर से बना लेते हैं सीधा एज स्टिच। इसके बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे और एक फंदे को हम इस तरह से स्किप कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे इस तरह से 2 फंदे सीधे बनाएंगे और यहाँ जो हमने जाली बनाई है इसको यहाँ से ऐसे उठाएंगे और दोनों फंदों के ऊपर से गिरा देंगे। देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्किप करेंगे, अगले दोनों फंदों को इस तरह से सीधा बनाएंगे और ये जाली वाला फंदा जो बना है इसको इसके ऊपर ऐसे गिरा देंगे। इसी तरह से यही 3 फंदे हमने बार बार रिपीट करने हैं पूरी रो में। फ्रेंड्स, ये रो हमने कंप्लीट कर ली है, तो उल्टी सिलाई पे आगे हैं। तो उल्टी सिलाई पे हमने क्या करना है, देखिए ये जो पर्पल फंदे हैं हमारे पास, इन सबको उल्टा उल्टा बना लेना है और इस फंदे को हमने स्किप करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से पर्पल फंदे उल्टे बनते जाएंगे और ये जो पिंक कलर का फंदा है इसको हमने स्किप करते जाना है पूरी रो में, इसी तरह से बना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने कंप्लीट कर ली है, तो नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। इसमें हमने क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे। अब देखिए, ये जो 3 फंदे हैं हमारे पास, इनको इस तरह से हमने पलट लेना है। इन दोनों फंदों को पहले सीधा बना लेंगे, पर्पल फंदों को। इसके बाद ये वाला फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। फिर से देखिए, ये 3 फंदे सिलाई से उतारेंगे, ये पर्पल फंदे हम इस सिलाई पे उतार लेंगे और ये वाला फंदा हम इस सिलाई पे। और सबको सीधा बना लेंगे। ये देखिए, और ये वाला फंदा इस सिलाई पे लेंगे और दोनों फंदे वापस इसी सिलाई पे लेंगे और इनको सीधा बना लेंगे। पूरी रो इसी तरह से हमने कंप्लीट करनी है। ये वाला फंदा यहाँ आ जाएगा, ये दोनों फंदे आगे आ जाएंगे, तो पूरी रो इसी तरह से बनाएंगे। और ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। ये उल्टी सिलाई है और ये पूरी उल्टी ही बनेगी, इसको पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप बनाइए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। ये हर 4-4 सिलाई के बाद हमने कलर चेंज करते जाना है और सुंदर सा डिजाइन बनाते जाना है। थैंक यू।